आपको बता दें राजगढ़ में कुल 5 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 4 पर बीजेपी ने जबकि 1 पर कांग्रेस पार्टी ने 2013 में कब्जा किया था। लेकिन इस बार यहां की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो चली है। वैसे तो दिग्विजय सिंह के इलाके के नाम से कभी ये जाना जाता था, लेकिन बीजेपी यहां पर लगातार मजबूत होती हुई चली गई। लेकिन इस बार यानी कि 2018 में क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। और इसी वजह से पूरे दमखम से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री लगे हुए हैं राजगढ़ जीतने के लिए। और इसी सिलसिले में आज उन्होंने एक रैली की, रैली को संबोधित किया। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ पर हमला बोलते हुए सीधे कांग्रेस की तुलना कौरवों से कर दी। इसके साथ ही राहुल गांधी के ज्ञान पर भी सवाल उठा दिए। बड़े बड़े नेताओं पर इस तरह के हमले के बाद कांग्रेस ने भी किया है पलटवार। ये रिपोर्ट देखिए। एक अमरनाथ गंगा गीता गायत्री है बहने, सीता सत्या सावित्री है बहने, बहने सजावटी वस्तु नहीं है, बहने देवियां हैं। भारतीय संस्कृति कभी बेटी और बहनों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो कौरवों का वंश सहित विनाश हो गया था। कमलनाथ, तुम और तुम्हारी कांग्रेस की तो हैसियत ही क्या है। राजगढ़ की सभा में शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ और कांग्रेस को निशाने पर लिया, कांग्रेस की तुलना कौरवों से कर दी। असल में शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के उस बयान का जवाब दे रहे थे, जिसके बाद कमलनाथ पर महिलाओं को सजावट की चीज बताने के आरोप लग रहे हैं। कमलनाथ का वो विवादित बयान भी सुनिए। महिलाओं को टिकट देने में इतनी कंजूसी क्यों, 28 महिलाओं को आपने टिकट? देखिए, हमने महिलाओं को, जो जीतने वाली महिलाएं थी, उनको टिकट दिया है। केवल एक कोटा और सजावट के लिए हम उस रास्ते में नहीं गए, तो बीजेपी से ज्यादा गए। अब चुनावी मौके पर कमलनाथ के इस बयान को शिवराज बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है। इसे महिलाओं के खिलाफ बताना चाहते हैं और खुद को प्रदेश की सभी महिलाओं का भाई बताते हैं। इस लिहाज से सारे बच्चों के साथ उनका मामा भांजे का रिश्ता है। मेरे भांजे भांजी, अभी रास्ते में आ रहा था, मिल गया रास्ते में। मेरे बेटी, मेरे बेटा, गाड़ी जब रोक ली, मामा रुक जा, मामा आ जा, मामा सेल्फी। छोटे छोटे बेटा बेटी माँ की गोद में ही उचक उचक के कहते, मामा आ जा रहे, मामा आ जा रहे, मामा आ जा रहे। बड़े बड़े शरारत करते, कहते मामा आई लव यू, तो मैं भी कहता हूँ आई लव यू टू। ये मामा भांजों के रिश्ते, मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, अंदर आत्मा में बसते हैं ये बच्चे मेरे। मामा भांजे के बाद शिवराज ने राजगढ़ की रैली में बाबा का जिक्र किया। राहुल बाबा आते वो भी गालियां देके जाते, एक ने कई गाली देते हैं। अच्छा, हमें तो क्या, हमारे बेटे को ही लपेट लिया, कहले पनामा लिंक पे नाम है। भैया मुझे ना पनामा पता ना लिंक पता, बाद में पूछा सबूत पत्रकार मित्रों ने, कहने नहीं गलती हो गई, मैं कंफ्यूज हो गया था। एक कंफ्यूज नेता, तू क्या भैया देश चलाएगा रे, तुझे तो ये भी पता नहीं कि प्याज कांदा जमीन के अंदर होता है, ये जमीन के ऊपर होता है। खुद की तारीफों के पुल बांधने और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर तीखे हमले के बाद कांग्रेस ने भी शिवराज को जवाब दिया है। कंस मामा भी अब महाभारत की बात करें तो अजीब लगता है। एक ऐसे कंस मामा शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके शासन में बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाओं में मध्य प्रदेश देश में पहले पायदान पर है, तो कम से कम वो जब महिला सुरक्षा या पोषण की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक क्रूर मजाक है। लेकिन चौथी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए शिवराज आक्रामक अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। एक ही दिन में राजगढ़ की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में तूफानी दौरा कर कांग्रेस पर हमले के साथ साथ उन्होंने जनता को विकास के अपने काम भी गिनाए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।